बोरी उठाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है हमको। कहाँ से हो? नहीं है बिहार में, बाहर है। कहाँ से? बिहार से। बिहार से सहरसा जिला। सासाराम सहरसा जिला सहरसा। जियो हो बिहार के लाला। जियो बिहार के लाला। पावर है बिहारी में। वो अस्सी जय भारत कोड हो सकता है। देखो जय भारत कोड हो सकता है। अच्छा 9500 और दो एक आध खाली रह सकते हैं कुछ 10-15%। मतलब जो 6 कोल्ड हैं उनमें से दो एक आध खाली रह सकते हैं। अच्छा 6 इस तो... नहीं इस समय की बात करूं तो इस समय थोड़ा सा मुझे ये चीज एक्सेप्ट करने में जी हिचकिचाहट सी हो रही है कि 90% तक हो पाएंगे कोल्ड, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां पैदावार को देख के हम लोग देखें या मंडियों में जो आलू जा रहा है उस हिसाब को लेके देखें, या फिर आज से पिछले 8 दिन पहले जो स्थितियां थी वहां लग रहा था कि भाई 70% भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे या 75% तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो इस तरह से देखते हुए 90% तक पहुंचना वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं कि अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, क्यों इस समय में अभी ग्वालियर पर ग्वालियर रोड पर तेहरा पर श्रीराम कोल्ड स्टोरेज में हूँ और आप यहाँ देख पाओगे इस समय जो है 3 ट्रैक्टर हैं और जो है भराई चल रही है, अनलोडिंग चल रही है। तो ग्वालियर रोड पर क्या स्थिति है कोल्डों की और श्रीराम कोल्ड की क्या स्थिति है इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अभी ओनर होंगे, ओनर जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई कितना कोल्ड वगैरह हो गया, कितना बचा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी क्षेत्र की क्या स्थिति है उनके आंकलन के हिसाब से, और क्या स्थिति यहाँ रहेंगी इस रोड पर ग्वालियर रोड पर अन्य कोल्ड स्टोरेजों की या टोटल जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनकी। चैनल पर पहली बार हैं आप लोग तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भी लाइक शेयर करें। वैसे तो आप लोग बहुत प्यार देते हैं लेकिन चैनल आप लोग थोड़ा सा कम सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल भी रेगुलर सब्सक्राइब करते रहे नए जो व्यूवर्स हैं वो। साथियों मेरे साथ में श्रीराम कोल्ड स्टोर से जो ओनर हैं वो हैं भाई साहब। क्षेत्र की स्थिति की बात करूँ, क्षेत्र में क्या स्थिति है पैदावार वगैरह की? पैदावार तो कुल मिला के कम ही निकल रही है। अच्छा 10-15%, 20% किसी किसान का अच्छा भी निकल रहा है, किसी का कम निकल रहा है और किसी का बहुत कम निकल रहा है। ओवरऑल देखें तो करीब कितने परसेंट का? 15-20% कम निकल रहा है। 15-20%। अच्छा अपने ग्वालियर रोड पे बात करें आपके तेहरा तक जी करीब कितने कोल्ड हैं? इटौरा से सैया तक 6 कोल्ड हैं। सैया तक जी 6 कोल्ड हैं। 6 कोल्ड क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि जिस तरह से पैदावार कम है जी और पिछले टाइम से देखें लोडिंग भी अच्छी खासी हो रही है बाहर के लिए जी जी, तो ऐसे में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं कोल्ड स्टोरेज मालिकों को या आप लोगों को, या क्या स्थिति इस रोड पर बनती हुई दिख रही है? समस्याएं तो आ रही हैं, आलू बहुत स्लो स्पीड में आ रहा है। अच्छा और खुदाई भी लेट हुई है और आपका कहना सही है कि मंडी भी बहुत आलू जा रहा है। हाँ भाव अच्छे हैं तो इसलिए किसान भी बेच रहा है। अच्छा 2-3 साल से किसान को पैसा नहीं मिला था तो भाव अच्छा होने की वजह से वो सोच रहा है कि इसमें से कुछ निकाल दो, तो वो निकाल भी रहा है। और रही कोल्ड स्टोर भरने की बात तो शायद हमारा तो फुल हो ही जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश मतलब शक की बात नहीं है कि फुल नहीं होगा, और दो एक आध और भी फुल हो जाएंगे। दो एक आध खाली रह सकते हैं कुछ 10-15%। मतलब जो 6 कोल्ड हैं उनमें से दो एक आध खाली रह सकते हैं। 6 कोल्ड का ओवरऑल रेशियो निकालू मैं हाँ तो करीब कितना आ जाएगा? 90% 90% आ जाएगा, 90-95% हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो खाली रहेंगे तो नहीं इस समय की बात करूं तो इस समय थोड़ा सा मुझे ये चीज एक्सेप्ट करने में जी हिचकिचाहट सी हो रही है कि 90% तक हो पाएंगे कोल्ड, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां पैदावार को देख के हम लोग देखें या मंडियों में जो आलू जा रहा है उस हिसाब को लेके देखें, या फिर आज से पिछले 8 दिन पहले जो स्थितियां थी वहां लग रहा था कि भाई 70% भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे या 75% तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो इस तरह से देखते हुए 90% तक पहुंचना वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं कि अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी? नहीं 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 90% प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा हाँ आज मैं करीब 80% की पोजीशन पे हूँ। अच्छा और मेरा आलू अभी मतलब बहुत अच्छी स्पीड से आ रहा है क्योंकि आलू अभी मेरा 6-7 दिन से ही आना शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ 10 तारीख से आना शुरू हुआ है, आज 17 तारीख हुई है। इस चैम्बर में थोड़ा एक दो मंजिल पर चल के देख लीजिए। हाँ हाँ आइए। तो मतलब करीब करीब 80% के आसपास आपका? हाँ आज 80% हो गया मेरा। अच्छा, अच्छा और बहुत अच्छी स्पीड से आलू आ रहा है। तो साथियों शायद हम ये दूसरी मंजिल पे है ना, इसमें ये हम दूसरी मंजिल पे हैं। हाँ, हाँ, अब हम तीसरी मंजिल पे चल रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ।
तो टोटल कैपेसिटी कितनी है आपकी कोल्ड की? अपने है करीब 3,35,000 कट्टे। 3,35,000। इसमें मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 2,000-2,000 इसमें 1,000 के करीब कट्टे आएंगे। 1,000-2,000 वो रास्ते की वजह से लिफ्ट लगी हुई है तो रास्ते की वजह से छोड़ रखा है, ऊपर जाना है आलू। कितनी कैपेसिटी बताई आपने अभी? 3,35,000 कट्टी। 3,00,000 ये हमारी चौथी लॉक हो गई है, बिल्कुल फुल हो गई है। ये इसमें तो रास्ता भी नहीं है। ये तो फुल हो गई है चौथी मंजिल तो। दूसरे चैम्बर में एक बार नजर डाल लेते। हाँ तो करीब कब तक आप कंप्लीट कर लेंगे हिसाब से अपना जो भी आपका टारगेट है? 5 दिन में, चार से लेके आज, 4 से 5 दिन में। 4 से 5 दिन में करीब कितनी आवक होगी इस समय पड़ेगी? इस समय 18-19,000 कट्टे आ रहे हैं। 18-19,000 आ रहे हैं। खुदाई की बात करें तो करीब कितनी खुदाई बची होगी क्षेत्र में? खुदाई आप मान लीजिए करीब 25 से 30%। 25 से 30% बाकी है अभी। हाँ, ये होली से पहले हो जाएगी कंप्लीट? नहीं, मैं तो 20 तारीख नहीं, नहीं खुदाई की बात कर रहा हूँ। खुदाई होली से पहले? होली के पहले कंप्लीट हो जाएगी ना। हाँ हाँ, ये हम इस समय दूसरी मंजिल पे हैं। ये दूसरी मंजिल फुल है, नीचे वाली का थोड़ा नीचे वाली फुल है। नीचे वाली फुल है, दूसरी फुल है, अब हम तीसरी पे चल रहे हैं, ये भी फुल है। कोल्ड ऑलमोस्ट फुली हो गया है, क्योंकि अगर 8 दिन पहले तक की स्थितियां देखते तो इस तरह का उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की। हाँ, वो खुदाई नहीं हो रही थी, आलू लेट खुदा है। अच्छा। हाँ, बाकी चौथी फुल हो गई। 1,000-1,200-1,500-2,000 की कट्टी करीब आनी है इसमें। टोटल कितने चैम्बर हैं? 3। 3 चैम्बर है। हाँ, आइए तीसरे में चलते हैं। टोटल चैम्बर 4 हैं। अच्छा, साथियों ये अभी ग्वालियर रोड पे हम लोग तहरा पर श्रीराम कोल्ड स्टोरेज में है और मेरे साथ में ओनर हैं। तो अभी हम ये तीसरे में हैं, तीसरे चैम्बर में हम भी। हाँ, तीसरे चैम्बर में। चौथी मंजिल पे? चौथी मंजिल पे। हाँ, ये फुल हो गया है। अब माल पांचवी पे चल रहा है इसमें। अच्छा, पांचवी की बाउंड्री हो गई है। पांचवी में। अच्छा, बाउंड्री हो गई है, मतलब कुल मिला के शायद हो सकता है ये एक दो चैम्बरों में ऐसी दो एक मंजिल है। हाँ, जो आपकी अभी। हाँ, आनी है बस। ओवरऑल आगरा का रेशियो निकालूं तो करीब कितना आ जाएगा? ओवरऑल अगर आप निकालें इस समय की पोजीशन पे, 17 तारीख को हम बात कर रहे हैं, नहीं 18 को। नहीं, आज 17 है ना। हाँ, 17 है। 17 की, 17 को हम, मुझे लगता है आगरा की पोजीशन 70 से 75% होगी। 70 से 75 होगी। 80 क्रॉस कर जाएगी इस हिसाब से? 80 क्रॉस करेगी इस हिसाब से ओवरऑल लास्ट तक? 85% जानी चाहिए। 85 जानी चाहिए टोटल? मुझे लग रहा है टोटल आगरा 85 जाना चाहिए। साथियों मैं इस समय ग्वालियर रोड पर जय भारत कोल्ड स्टोरेज में हूँ और इस समय आप चैम्बर में इसमें देखोगे भराई चल रही है और इस समय मैं ये जिस चैम्बर में हूँ उसकी तीसरी मंजिल पर हूँ। तो इसको आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, ये जहाँ तक है ये कंप्लीट हो चुकी है एक तरह से, बस यही रह गया है जो थोड़ा बहुत पैकेटें 1,000-1,500 जो भी पैकेटें आएंगी। और ये दूसरी मंजिल पर हूँ मैं, इसमें भी करीब करीब 1,500-2,000 पैकेट की जगह होगी। 1,500-2,000 की इसमें जगह होगी। और ये हम दूसरे चैम्बर में हैं तो आप ये शुरुआत में देख लीजिए, ये है। और इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दूसरी मंजिल पे आ गया मैं, तीसरी पर है ये। अच्छा, इसके नीचे और था वो। हाँ, ये आप देखोगे इधर, ये चौथी ऊपर पांचवी, ये कुल मिला के ये जो चैम्बर है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप देख पा रहे हो
और कूले और एक दो चम्मच और देखते हैं कि उनमें क्या स्थिति है। बाकी इस रोड पर आगे चलकर और देखेंगे कि किस तरह के कोल्ड स्टोरेजों की स्थितियां हैं अभी करीब, क्या स्थिति बन रही है ग्वालियर रोड पे, और यहाँ पे जो भी स्टाफ रहेगा उससे बातचीत करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे करीब टोटल उनकी कैपेसिटी क्या है और अभी तक कितना उनके पास में आलू आ चुका है। ये हम लोग अभी लास्ट चैम्बर में हैं, इसकी भी आप स्थिति देख सकते हो। पर डे की अभी आवक कितनी होगी, कितनी आ रही होंगी? 10,000 पैकेट आ रही है। तो दो तीन तीन दिन का चार दिन का तीन चार दिन का मेरे यहाँ काम बचा हुआ है। मान लीजिए आज आज 10 है, कल 8 भी रह जाए, थोड़ी बता दो। कोई दिक्कत नहीं, 2-4-5 हज़ार का कम भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, खैर ऐसे समय में 100% होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से पैदावार की स्थिति है, पैदावार आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कितनी कम होगी? करीब 10% का था हिसाब बेटा है। 10% का हिसाब है जी, 10% किसी का सही आया है, किसी का 20% कम है, एवरेज 10% का बैठेगा, एवरेज 10% का। शुरुआत में क्या जैसे आपका खुला था उस समय क्या आमद रही थी आपको शुरू में पर डे की? इस बार बारिश होने की वजह से भीड़ नहीं रही है, 16-17-18 से ऊपर नहीं आई है। अच्छा, वैसे हमारे हर साल 22-23 हज़ार की लाइन लग जाती थी, मौसम खराब, कुछ खुदाइयां लेट, इस चक्कर में 16-17 हज़ार से ऊपर नहीं आ पाई। धीरे धीरे वो चलता रहा। धीरे चलता रहा, काम थोड़ा लेट खिंच गया पर काम हो गया। इधर अभी आप देखोगे तो 4-5 ट्रैक्टर खड़े हैं जो अनलोडिंग चल रही है। मेरे साथ मैनेजर साहब हैं, सुरेंद्र सिंह जी। तो मैनेजर साहब, माहौल तो कब करा दिया था कोल्ड का आपने? 14 फरवरी में जी। आलू आना कब से शुरू हो गया था? जी हो गया 17 से। 17 से जी। तो शुरुआत में क्या आवक रही थी आपके पास में? थोड़ी हल्की रही, 20-22 तारीख तो बढ़ के, 20-22 तारीख से बढ़ के बढ़ गई। अभी इस समय क्या आवक है? जाकर होगी 10-12 की। 10-12 की कितनी क्षमता है आपकी कोल्ड की? समझो क्षमता 3-35 की। 3-35 की जी। कितनी आ गई इसमें से? 3 के करीब आ गई। 3 के करीब आ गई जी। तो कब तक कंप्लीट करा दोगे? 4-5 दिन और लगेंगे। 4-5 दिन में चौक सिलो में हुआ आलू। हाँ, खुदाई कितनी बची होगी क्षेत्र की? अब क्षेत्र की खुदाई तो जाकर क्षेत्र बहुत लंबा है नहीं, अपने आसपास की मान लो, जहाँ की हमारे जहाँ से आपके किसान ज्यादातर आपसे किसान जुड़े हुए हैं वहाँ कितनी खुदाई बची होगी करीब? अब समझो तो 4-5 दिन की। 4-5 दिन की। साथियों, अभी मैं ग्वालियर रोड पर गोवेश्वर कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में भैया हैं कमल सिंह। भैया कमल सिंह जी, क्या स्थिति है इस समय कोल्ड स्टोरेज की आपकी? हमारा कोल्ड स्टोरेज 65% भर चुका है। 65%? हाँ, 75-80% होने के पूरे चांस है। 75-80% तक आप पहुंच जाओ। कितनी क्षमता है आपकी? 1,60,000 कट्टे आते हैं इसमें कोल्ड में। 1,60,000, इसमें 65% के आसपास आपका आ चुका है। खुदाई आपके क्षेत्र में करीब करीब अभी इस समय कितनी बची होगी? 10-15% बची है। 10-15%। तो दादा एक चीज बताओ, 10-15% बची है, आप 65% पे हो तो 80% पहुंचना थोड़ा अपने किसानों की बता रहे हैं, क्षेत्र की नहीं बता रहे हैं। हाँ, आपके किसानों की बता रहा हूँ, तब भी थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा 80% तक पहुंचना? हाँ, हो जाएगा 80। हो जाएगा, हो जाएगा। तो बाकी इस रोड पे बात करूँ तो क्या स्थितियाँ आपको दिख रही है कि भाई इस रोड के कोल्ड ज्यादा ओवर एवरेज निकालोगे तो पूरे कोल्ड के मतलब रोड के ग्वालियर हाईवे के सही तक के अगर एवरेज निकालू मैं 80-85% हो जाएगा। टोटल 80% के आसपास सारे कोल्डों का एवरेज हो जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा, कम तो नहीं जाएगा इससे? नहीं नहीं, कम नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कम रह सकता है, 70-75% के आसपास हो जाएगा। 80 हो जाएगा। टोटल कितने कोल्ड होंगे इस रोड पे? 5 कोल्ड है। 5 में से आपके हिसाब से 100% या 90% से ऊपर जा पाएंगे कुछ? नहीं नहीं, 100-90 नहीं हो पाएगा, कोई भी नहीं हो पाएगा। वो 80-85 कोल्ड हो सकता है, देखो जयवार कोल्ड हो सकता है। अच्छा, 95-100 और तो लगभग 80-85 जयवार हो सकता है। हाँ। बाकी का कुछ 90 तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है।